राजनीति विज्ञान कक्षा ग्यारहवीं भारत संघ इस अध्याय का मूल केंद्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था है इससे पहले कि मैं संघ क्या है और संघ के की क्या विशेषताएं हैं इस पर आगे बढ़ूं पहले सबसे पहले आप एक नक्शा देखें यह नक्शा भारत का है उन्नीस सौ का जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कुछ इस रूप में आप देश के राज्यों की स्थिति को पाते हैं और इन राज्यों में आप देखेंगे तो तीन या चार राज्य ही ऐसे हैं जो वर्तमान में उसी नाम से हैं लेकिन भौगोलिक सीमा भी शायद उनकी बदल गई है भौगोलिक सीमा अंदर के राज्यों की बदली हुई है आज की स्थिति में जैसा आपने देखा होगा लेकिन नाम कुछ तीन चार कुछ कॉमन दिख रहे हैं जिसमें एक है असम दूसरा है पंजाब तीसरा आप देखेंगे गुजरात इस नक्शे में थोड़ा नीचे बना हुआ है जो तो गलत है और उसके बाद आ, इन तीन राज्यों के अलावा जम्मू एंड कश्मीर जो 1900 जो 2019 तक राज्य था और फिर पांडिचेरी बाकी जो राज्यों के नाम आप देखिए ये नाम अब अस्तित्व में नहीं है और इसके साथ ही आप देखेंगे कि भौगोलिक सीमाएं जो अंदर के राज्यों की हैं वह भी अलग अलग हैं छत्तीसगढ़ इस नक्शे में नहीं है मध्य प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश की जगह संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है आदि आदि तो एक नक्शा ये भारत उन्नीस और ये है दूसरा नक्शा इस नक्शे में भारत की जो बाहरी सीमा है वो यथावत है जो उन्नीस में थी पर राज्यों की जो अंदरूनी सीमाएं हैं वे बदली हुई हैं राज्यों की सीमाएं ही नहीं बदली हैं कई का क्षेत्रफल बदला है नाम बदले हैं आदि आदि और इसमें आप छत्तीसगढ़ को भी देख सकते हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं कितने यूनियन टेरिटरीज हैं इस पर हम आगे चर्चा करेंगे पर फिलहाल हम चाहते हैं कि आप अपनी नजर इन राज्यों पर बैठा लें देखेंगे ऊपर नक्शे में जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में दिया हुआ है उसके साथ उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत के रूप में हम पहले देख रहे थे लगभग फिर मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी देखिए फिर झारखंड उत्तरांचल कर्नाटका और इस प्रकार राज्य हैं। इस पर विवाद हो सकता है आपके मन में कि 28 हैं कि 29 हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे फिलहाल आप इतना जानें कि ये नक्शा जो है वह लेटेस्ट है दो हम मान लें दो के पूर्व का है और 2019 के बाद कुछ विशेष परिवर्तन देश के अंदरूनी नक्शे में नहीं आया है अर्थात कमोबेश राज्यों की जो सीमाएं हैं वे वैसी ही बनी रहीं एक जो परिवर्तन आया है इसको भी मैं आगे बताऊंगा तो इन दो नक्शों की तुलना करना इसलिए जरूरी है कि राज्यों का जो अंतर दिख रहा है उसको हम इस अध्याय में समझेंगे और उस अंतर की महत्ता को हम समझेंगे आखिर राज्यों का निर्माण आवश्यक है यह तो उन्नीस के नक्शे से दिख रहा है और फिर राज्यों का निर्माण किस आधार पर बदलता चला गया किस आधार पर नए नए राज्य बनते गए निश्चित रूप से उसके पीछे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी तो राज्यों के निर्माण के पीछे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की जरूरत महसूस की गई जो देश के सभी राज्यों को संचालित करने में प्रशासकीय दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से देश की एकता की दृष्टि से मदद करे ये कैसे होता है भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे संभव किया गया है इस पर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे उन्नीस और आज इसके नक्शे की तुलना कुछ दूसरे रूप में भी की जा सकती है उन्नीस का जो भारत था स्वतंत्रता के पहले का उस समय भी राज्य थे लेकिन वे राज्य कुछ अलग अलग तरीके के थे कुछ देशी राज्य थे कुछ ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आते थे और कुछ तीसरी श्रेणी के राज्य थे इन राज्यों को देखिए इस नक्शे में अलग अलग रंगों में दिखाया गया है और कुछ तो बिल्कुल स्वतंत्र थे ये तीन रंग बताते हैं भारत में राज्यों का वर्गीकरण उन्नीस के पहले और उनका भौगोलिक क्षेत्र सीमाएं दूसरा नक्शा वर्तमान भारत का है और दोनों की यदि आप तुलना करें बाजू बाजू में तो आप बहुत जमीन आसमान का अंतर पाएंगे नामों की दृष्टि से और उसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों के अस्तित्व की दृष्टि से कुछ हम इतिहास की ओर अब झांके और इतिहास की ओर जाते हैं तो संघ शब्द के आ, कई मायने हैं लेकिन एक उसका अर्थ कॉमन है सब में वह है यूनियन संघ अर्थात यूनियन एकत्रित होकर कुछ बनना वह संघ कहलाता है संघ शब्द प्राचीन काल से धार्मिक सामाजिक और फिर करीब सत्रहवीं शताब्दी में अठारहवीं शताब्दी में राजनैतिक मामले में भी इसका उपयोग किया जाने लगा बुद्धम संघम शरणामी ये आपने पढ़ा है वहाँ संघ का जिक्र आता है वह संघ क्या है इसका अध्ययन हम इतिहास में किए हैं लेकिन सत्रह सौ के बाद जिस संघ की कल्पना सामने आई उसका अर्थ होता है यूनियन यूनियन अर्थात कुछ चीजों का मिलकर एक एक होना एकीकृत नहीं एक होना जोड़ के एक साथ जुड़ जाना एक होने पर एकीकृत नहीं भारत जो है उसे हम एक संघ कहते हैं सत्रह सो सतासी अट्ठासी के बाद अमेरिका में सबसे पहले कल्पना आई थी संघ की कल्पना अमेरिकी राज्य को एक संघ का रूप दिया गया और उसके बाद फिर संघ शब्द का उपयोग बहुत से अर्थों में लिया जाने लगा आप मजदूर संघ देखेंगे उसके बाद संघ की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में भारत एक संघ है उसके अलावा संघ के और भी कई नाम है और भी कई उपयोग हैं हम इस अध्याय में जो पढ़ने जा रहे हैं वह है भारत राजनीतिक संदर्भ में संघ के क्या मायने और भारत में संघ का क्या स्वरूप है इसका हम अध्ययन इस अध्याय में करेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक बहुत विशाल देश था यद्यपि भारत का विभाजन हुआ पर इस विभाजन के बाद भी भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना ज़्यादा था उसकी विशालता इतनी थी कि हमारे तत्कालीन संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत उचित समझा कि इतने विशाल देश को किसी एक जगह से किसी एक राजधानी से शासित करना चलाना एक नामुमकिन या असंभव कार्य है विशालता के साथ साथ इसकी भौगोलिक विविधता भी थी देश के लोगों की सामाजिक विविधता भी थी लोगों की अपनी परंपराएं, अपनी भाषाएं, अपना खेतरी वाद और अन्य इस तरह की क्षेत्रीय भावनाएं भी काफ़ी मजबूत थी ऐसी स्थिति में किसी एक कानून के द्वारा किसी एक सरकार के द्वारा किसी एक जगह से इतने बड़े देश को शासित करना आ, बहुत कठिन कार्य माना गया बहुत दूभर था और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सोच विचार हुआ ऐसी स्थिति कुछ अन्य देशों में भी पनपी थी जिसको लेकर वहां भी विचार मंथन हुआ कि कैसे इतने विशाल राज्य को संभाला जाए यदि हम मध्यकाल की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि एशिया में यूरोप में ऐसे जो विशाल साम्राज्य थे उन साम्राज्यों में उनको कुछ क्षेत्रों में विभाजित करके राजा या सम्राट अपने गवर्नर उन स्थानों में पदस्थ कर देता था और ऐसा करते हुए वह इन गवर्नर को अपने कुछ अधिकार दे देता था लेकिन कुछ अधिकार अपने पास रखता था इस प्रकार गवर्नरों के माध्यम से क्षेत्रीय सत्रप के माध्यम से बड़े बड़े विशाल साम्राज्य चलाए जा रहे थे और वहीं से प्रेरणा लेते हुए बाद में यह संघवाद या संघात्मक प्रणाली शासन प्रणाली जिसको कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली उसका जन्म हुआ आपने जो नक्शा देखा उन्नीस बनाम 2019 का इस नक्शे में बदलाव देखे और ये हम 2019 के नक्शे की ओर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि इस नक्शे में उनतीस राज्य हैं और सात यूनियन टेरिटरी हैं जिसे हम संघ शासित क्षेत्र कहते हैं ये दोनों अलग चीज़ें हैं यूनियन टेरिटरी और राज्य ये दोनों की जो राजनीतिक व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था है अलग अलग है तो भारत में 29 राज्य बनाए गए ये 29 राज्य मैं यही स्पष्ट कर देना चाहूंगा वर्तमान में ये 29 राष्ट्र घटकर राज्य जो हैं, वे घटकर 28 हो गए हैं 2019 के घटनाक्रम में एक राज्य को कम कर दिया गया आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर इस प्रकार एक राज्य कम हुआ तो कुल हुए 28 राज्य जो राज्य था, अंतिम राज्य जो जो था अंतिम बना था वह 2014 में तेलंगाना के रूप में बना था और उस समय जम्मू कश्मीर का अस्तित्व एक राज्य के रूप में था तो इस प्रकार उस समय 29 राज्य थे लेकिन 2019 में धारा 370 के हटाने के बाद करीब उस धारा 370 के हटाने के करीब छियासी दिन बाद जम्मू और कश्मीर जो राज्य है उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और इस प्रकार एक राज्य कम होता है तो आज वर्तमान में कुल राज्य 28 हैं यद्यपि अधिकतम राज्य भारत में किसी समय 29 हुआ करते थे ये तो पहली जानकारी अब जम्मू कश्मीर राज्य का हुआ क्या जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य के दर्जे से हटाकर उसे अब संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है अर्थात यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है और चूंकि जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र विशाल है दो यूनियन टेरिटरी का वहां गठन किया गया एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख जिस प्रकार 29 राज्य घटकर 28 हो गया ऐसे ही सात यूनियन टेरिटरी जो थी वे बढ़कर अब 29 हो गई अब और वे बढ़ के अब सात के बदले नौ हो गई पहले सात यूनियन टेरिटरी थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ दादरा नगर हवेली दमन दीव दिल्ली लक्षद्वीप और पांडिचेरी ये देखिए ये यूनियन टेरिटरी ये सात थी अब लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के जुड़ने से इनकी संख्या नौ हो गई यहां भी एक और घटनाक्रम हुआ जिस प्रकार एक राज्य का अस्तित्व समाप्त किया गया और उसे यूनियन टेरिटरी में दो यूनियन टेरिटरी में बदला गया उसी प्रकार कोई अन्य दो यूनियन टेरिटरी उन दो को मिलाकर एक कर दिया गया दादरा नगर हवेली और एंड दीव ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी नक्शे में आप देखेंगे अब इनको मिलाकर एक कर दिया गया तो सात से इनकी संख्या बढ़कर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर नौ हुई और फिर उसके बाद 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीव को जब मिला दिया गया एक कर दिया गया तो यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र की संख्या घट कर आठ हो गई अर्थात वर्तमान में राज्यों की स्थिति की बात करें तो देश में अट्ठाईस राज्य हैं और आठ यूनियन टेरिटरी हैं बात स्पष्ट हो गई अब हम इस मामले में अप टू डेट होगा इस अध्याय में हमने ये जो परिवर्तन देखा है राज्यों की सीमाएं का बदलना नाम बदलना राज्यों की संख्या में भी जो अंतर आना आज़ादी के समय अधिकांश क्षेत्र तो ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने केवल प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से गठित किया था मैंने बीच में जिक्र किया कि राज्यों के गठन के पीछे कई तत्व रहते हैं सामाजिक तत्व परंपराएं, क्षेत्रीयतावाद प्रशासनिक तत्व राजनीतिक कारण आदि आदि अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उसके पहले जब वो देश में शासन करते थे तो राज्यों का विभाजन का आधार हुआ करता था प्रशासनिक आवश्यकता बाकी सब मुद्दे उनके लिए सेकेंडरी थे प्रशासनिक तो सुविधा के लिए सब गठित किए जाते थे ताकि सुचारू रूप से उन राज्यों पर शासन किया जा सके उसके बाद फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया उन्नीस के नक्शे में आप इसे देख सकते हैं कि कैसे प्रांतों से इनको जोड़ दिया गया तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं 1947 के नक्शे के बाद पहला बड़ा बदलाव जो भारतीय नक्शे में आया राज्यों के संदर्भ में वह 1956 में जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन किया गया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्विभाजन 1956 में उसका नक्शा आप ये देख सकते हैं उसके बाद तो फिर एक के बाद एक कई बार राज्यों के पुनर्विभाजन की स्थिति आई और उसके कई विभिन्न कारण रहे कहने का तात्पर्य कि कई बार इनकी सीमाएं बदल चुकी हैं इस अवधि में इस काल में न केवल राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन हुआ लेकिन बल्कि इसके साथ साथ राज्यों के नाम भी बदलेगा सीमाएं वही रहीं नाम बदल दिए गए उदाहरण के लिए कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी सीमा तो वही है लेकिन नाम बदल दिया गया उड़ीसा उसका नाम अब ओडिशा है मैसूर उसका नाम अब कर्नाटक है तो क्षेत्रफल वही रहते हुए नक्शा वही रहते हुए नाम बदलने का भी एक दौर चला जब राज्यों के नाम बदले गए क्षेत्रीय भावनाओं को वहां की जनता की भावनाओं को इच्छा को समाहित करने के उद्देश्य से मद्रास वो तमिलनाडु हो गया और फिर मद्रास जो था वह राज्य भी था और मद्रास एक शहर का नाम भी था तो राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु हुआ जबकि शहर का नाम बदल के चेन्नई कर दिया गया और ये सब क्यों हुआ जनता की इच्छा के अनुरूप ये नाम बदलेगा ये मानचित्र लगभग सत्तर वर्षों की बदलाव को दिखाते हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया है। एक तरह से भारत में संघवाद की कहानी इन दो नक्शों से पूरी हो जाती है अब आखिर हम फिर इस अध्याय में अब पढ़ेंगे क्या पहला हम जानेंगे कि संघवाद क्या है जिसका संक्षिप्त में मैंने एक इतिहास आपको बताया संघ शब्द की व्युत्पत्ति के साथ दूसरा हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था या भारतीय संविधान में कैसा है संघवाद संघवाद की जो मूल परिभाषा है मूल अर्थ है भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत की संघीय व्यवस्था उसके कितने निकट है उसके बाद हम जानेंगे केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध इन दोनों के बीच में गहन संबंध कैसे हैं? चौथा विशेष किस्म की बनावट और ऐतिहासिक विशेषता लिए हुए कुछ राज्य हैं उनके बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान किएगा इसका भी अध्ययन करेंगे ये विशेष किस्म की जो बनावट होती है इससे तात्पर्य है कुछ सीमांत क्षेत्र